Watch all videos of our YouTube channel CGPSC e-GYAN and get complete video lectures from visualcard.com. Hello friends, welcome to the CGPSC e-GYAN classes. और आज हम देखेंगे कि computer network क्या होता है और उसके अंदर जितने भी details हैं, जितने भी questions computer network के अंदर से पूछे जाते हैं, उसके features हो गया, उसके जितने भी अंदर के जितने भी topics हैं, जितने भी sections हैं, उनको पूरे detail में पढ़ेंगे और आइए देखते हैं कि computer awareness से एक ये जो important topic है computer networks, इसको आसान तरीके से कैसे आपको एक नोट्स बना के कैसे पढ़ लेना है ताकि एग्जाम के समय पे कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. सो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इसी टॉपिक से ही आते हैं. कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर बोले कि सबसे अधिक क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क. सो हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है. सो चलिए, इसका मैं आपको एक नोट्स बनवा देता हूँ, एक आसान नोट्स बनवा देता हूँ ताकि आप भूले ना, एक फ्लो में पढ़ेंगे और एंड तक आप लेक्चर में सब बने रहिए ताकि आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में मिल जाए. सो आज देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क. पहले देखिए कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. इट इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टूगेदर फॉर कम्युनिकेशन, ओके, रिसोर्स शेयरिंग एक्स्ट्रा. अब इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर, ठीक है, दो कंप्यूटर भी मिलकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं. सो दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर या फिर बोल सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हो फॉर कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और रिसोर्स शेयरिंग मतलब जैसे कि प्रिंटर्स को शेयर कर रहे हो या सीपीयू को शेयर कर रहे हो या फिर इंक्लूड डिवाइस को शेयर कर रहे हो, तो ऐसे रिसोर्स शेयरिंग भी उसका मेन वर्क है और कम्युनिकेशन भी उसका इम्पोर्टेंट वर्क है. कंप्यूटर नेटवर्क का ये दोनों मेन वर्क है जिसके लिए हम लोग कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है. तो डेफिनेशन क्लियर है आपको. अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं, इट शुड फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया. ये सब तीन क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए. एक अच्छा कंप्यूटर नेटवर्क उसी को बोलेंगे अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल होता है. तो पहला क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस. कंप्यूटर नेटवर्क का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए. परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए इसका मतलब डेटा का जो स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए. अगर हम एक ए सेंडर ए से बी भेज रहे हैं तो जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए. और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस. सो ये पहला क्राइटेरिया. सेकेंड क्राइटेरिया है रिलायबिलिटी. जो कंप्यूटर नेटवर्क हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे वो रिलायबल होना चाहिए. रिलायबल का मतलब होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, वो जल्दी खराब ना हो जाए, वो जल्दी कुछ उसमें एरर ना आ जाए, ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है. थर्ड होता है स्केलेबिलिटी, मतलब उसको हम लोग लार्ज स्केल में डेवलप कर सके, इम्प्लॉय कर सके, ठीक है. सो स्केलेबिलिटी मतलब होता है कि वी कैन स्केल इट, मतलब उसको स्मॉल से लेके लार्ज तक उसको ले जा सके, वो स्केलेबल होना चाहिए, वो एडजस्टेबल होना चाहिए कि मोर कंप्यूटर्स हम ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स ऐड कर रहे हैं तो वो सबके फीचर्स होने चाहिए. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन मॉडल. ये किस कम्युनिकेशन मॉडल पे काम करता है, पहले देखिए इसके पांच पार्ट्स हैं. सोर्स, सेंडर जिसको सोर्स भी बोलते हैं, सेंडर जिसको सोर्स भी बोलते हैं, ट्रांसमीटर, फिर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, फिर एक क्या लगा है, ट्रांसमिशन सिस्टम, फिर एक रिसीवर लगा है, फिर डेस्टिनेशन. तो अब देखिए मैं इनके फंक्शंस बताता हूँ. पहले सोर्स या फिर सेंडर जो है वो डेटा भेजेगा, वो डेटा रिलीज करेगा. अब आया ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसमीटर क्या करेगा, अब जो है ओपन सिस्टम पे डेटा को ऐसे तो नहीं भेज सकते, ये तो कोई भी हैक कर लेगा, कोई भी उसको इंट्रूडर या हैकर आएगा उसको डेटा को निकाल लेगा, तो डायरेक्ट फॉर्म पे डेटा को नहीं भेज सकते. उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक ट्रांसमीटर लगाते हैं. सो ये ट्रांसमीटर क्या करता है कि उसको एनकोड कर देता है, उसको एनक्रिप्ट कर देता है. तो इसका मेन वर्किंग क्या हो गया, एनकोड करना या एनक्रिप्ट करना, ठीक है. उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम, वो वायरलेस भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है. सो ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब वायरलेस और वायर्ड सिस्टम. हवे में भी भेज सकते हो आप रेडियो वेव्स के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा आप हवे में भेज सकते हो डेटा को. और सेकंड फॉर्म क्या है, आप कोएक्सियल केबल यूज करो, केबल यूज करो, वायर्ड फॉर्म यूज करो, लैन यूज करो. तो ये होता है आपका दो तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम, वायर्ड और वायरलेस. फिर आता है रिसीवर के पास, रिसीवर उसको रिसीव करता है और डिकोड करता है, क्योंकि डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म पे आया है. सो एनकोडेड फॉर्म पे आया है, सो उसको रिसीव करेगा और एनकोड करेगा, डिकोड करेगा, एनकोडेड डेटा को डिकोड करेगा.
फिर भेजेगा वो डेस्टिनेशन के पास। सो फाइनल डेस्टिनेशन जो होगा, जिसके लिए डेटा जो आया है, वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचना चाहिए, उसके बीच में ये सारे चीज लगे हुए रहते हैं। तो यही चीज है ये बेसिक है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो आइए अब इसके पूरे फंक्शनैलिटी को पढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, जितने भी चीज कैटेगरीज के अंदर आते हैं, लैन वैन में, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टर्मिनोलॉजी, टोपोलॉजी से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, आपका ओएसआई लेयर, और उसके बाद भी आपका डिवाइसेस जो यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। सो पहला कॉन्फ़िगरेशन है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पीपीपी बोलते हैं। ठीक है, अब मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन कौन से, दो टाइप से होते हैं, स्पेटियल और टेम्पोरल, स्पेटियल और टेम्पोरल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता क्या है। तो इसका डायग्राम क्या है, ये क्या है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। इस पर देखिए सेंडर है ये रिसीवर, ए टू बी एक सिंगल लिंक है, डायरेक्ट लिंक है, या बोल सकते हैं कि ए टू बी के बीच पे डायरेक्ट लिंक है। तो ये क्या है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, डायरेक्टली लेटर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मल्टी पॉइंट पे। मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्या होता है कि ये एक आपका मेन फ्रेम सर्वर हो गया, और ये एक लिंक है यहाँ से, ये एक लिंक है। ठीक है, इस लिंक पे जो है वो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया आपका मेन फ्रेम सर्वर हो गया, उसपे सारे डिवाइसेस एक लिंक से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, तो डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट दो टाइप से होते हैं, स्पेटियल टेम्पोरल। इन दोनों के डायग्राम से समझने के लिए और आपको एक बता देता हूँ कि स्पेटियल और टेम्पोरल में डिफरेंस क्या होता है। अगर इफ ऑल द, स्पेटियल का मतलब होता है इफ ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सेम लिंक, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, सेम लिंक से पूरा साइमल्टेनियसली पूरे जो डिवाइसेस है वो कनेक्टेड है। सो ये क्या हो जाएगा, स्पेटियल कनेक्शन। टेम्पोरल कनेक्शन मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर लिंक गया, फिर दूसरे डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर लिंक गया, मतलब कि वन बाय वन कनेक्टेड है एक दूसरे से, बोल रहा हूँ। सो साइमल्टेनियसली कनेक्टेड नहीं है, सो वन बाय वन कनेक्टेड है, ये होगा आपका टेम्पोरल कनेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन मोड्स, क्या क्या ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तीन ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। पहले तो समझिए कि ट्रांसमिशन मोड्स होता क्या है। ट्रांसमिशन मोड्स मीन्स इट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, किस डायरेक्शन पे इट डिसाइड्स कि जो डेटा फ्लो है उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है, वो होता है ट्रांसमिशन मोड। तीन मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब डायग्राम पे आ जाइए। पहला है आपका, देखिए सीपीयू दिख रहा है आपको, सीपीयू से एक मॉनिटर कनेक्टेड है, सीपीयू से मॉनिटर कनेक्टेड है, या फिर एक कीबोर्ड कनेक्टेड है। तो वो क्या है, एक फ्लो पे डेटा फ्लो होगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, एक सर्वर लगा हुआ है, वो पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहा है, हम लोग का टीवी ऑन है, चल रहा है टीवी। ठीक है, वहां से कनेक्शन आ रहा है सबके टीवी पे, वन साइडेड, केवल वन साइडेड है। हम लोग टीवी से जो ब्रॉडकास्टिंग सर्वर है वहां पे डेटा नहीं भेज सकते, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग सर्वर जो है वो हमारे टीवी तक डेटा भेज सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया रेडियो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग एग्जाम्पल है, जितने भी वो सब आपके इसके अंदर आ जाएंगे, सिंप्लेक्स। ठीक है, मीन्स ओनली वन साइडेड फ्लो ऑफ डेटा, केवल डेटा एक साइड पर फ्लो होगा। ठीक है, सेकेंड आ जाइए हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि डेटा दोनों साइड से फ्लो होगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि एक टाइम पे जो है वो एक डायरेक्शन पे ही हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं। एक टाइम पे एक डिवाइस एक ही डायरेक्शन पे डेटा सेंड कर सकता है, या फिर वो रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है। वैसे ये डिवाइस जो है वो आप या फिर वो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। सो ये आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है, ये फुल, ये सिंप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स, ये फुल डुप्लेक्स। सो हाफ डुप्लेक्स में देखिए एक बार सेंड कर रहा है, फिर जब इसका हो जाएगा तो ये सेंड करेगा। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। इसका आपको बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है वॉकी टॉकी। ठीक है, वॉकी टॉकी सबने देखा हुआ है,
अगर अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो वहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं वो लोग वॉकी टॉकी लेके घूमते रहते हैं, या फिर जो बाउंसर्स लोग हैं, या फिर जितने भी लोग हैं वो लोग क्या है वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं वॉकी टॉकी का, सो क्योंकि ये आम लोग इस्तेमाल आजकल नहीं करते क्योंकि उनके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा, टेलीफोन और मोबाइल जैसी चीजें हैं तो वॉकी टॉकी का हमको जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी पर्पज से वॉकी टॉकी का यूज किया जाता है। सो वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक टाइम पे आप या फिर बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, सो वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। फिर आते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स पे। फुल डुप्लेक्स में क्या है, दोनों चीज आप एक टाइम पे ही सुन, एक टाइम पर सेंड भी कर सकते हैं, एक टाइम पे आप रिसीव भी कर सकते हैं। सो ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। सो फुल डुप्लेक्स मोड में अगर आपका कनेक्शन है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टेलीफोन का, मोबाइल का, हम लोग बोल सकते हैं और सुन भी सकते हैं, अब बोलते हुए सुनिए, सुनते हुए बोलिए, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल, सो एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये तीनों याद हो जाएगा, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अगर एग्जांपल देता है पूछता है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड है तो आप बता सकते हैं। सो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। सो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो ये नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। सो ट्रांसमिशन मीडियम इन कंप्यूटर नेटवर्क, तो ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली दो टाइप से होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम पहले क्या होता है कि सेंडर है, रिसीवर है। अब हम लोग को एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेंड कर सकें, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने फर्स्ट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया था कंप्यूटर नेटवर्क को, तो उसमें ही मैंने बीच में एक ट्रांसमिशन सिस्टम बताया था, वही है ट्रांसमिशन मीडियम भी, वही चीज है कि किस चीज से अपने को अपने को डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो दो टाइप्स होते हैं, बाउंडेड और गाइडेड मीडियम, या अनबाउंडेड या अनगाइडेड मीडियम, ठीक है। बाउंडेड के अंदर आएगा ट्विस्टेड फेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल, ठीक है। अनबाउंडेड के अंदर क्या क्या आता है, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव। तो इसको बेसिकली आप बोल सकते हैं कि अनबाउंडेड अन लगा हुआ है, अनबाउंडेड अनगाइडेड, ठीक है। बाउंड करना मतलब जो कवर करना, गाइड करना मतलब कवर करना। तो ये क्या है, वायरलेस है, इसको पूरे चीज को वायरलेस बोल सकते हैं। और ये क्या है, वायर्ड है, बाउंडेड या गाइडेड। सो ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, आप देखोगे कि दो केबल आपस में ट्विस्टेड रहते हैं, तो वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये होता है शील्डेड, एक शील्डेड रहता है ताकि वो नॉइस बचा सके, बाहर से डिस्टर्बेंस ना आए। और एक अनशील्डेड मीडियम होता है जो केबल थोड़ा सस्ता आता है, ठीक है, तो उस पर नॉइस आने के चांसेस है। अब कोएक्सियल केबल, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड, एक होता है ब्रॉडबैंड जिस पे हम लोग जैसे जो अपने पास केबल कनेक्शन आया हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली बेसबैंड है। जैसे एयरटेल का नेटवर्क उसको हम लोग ऐसे बोलते तो जो है ब्रॉडबैंड लगा हुआ है हमारे यहाँ, वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, सो वो बेसिकली बेसबैंड के अंदर आता है। अगर आप डीप में जाएं तो वो बेसबैंड है। ब्रॉडबैंड मतलब जस्ट ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, जैसा हब हो गया, हब एक ऐसा डिवाइस है जो केबल ब्रॉडकास्ट करता है। सो कोएक्सियल केबल के अंदर दो बातें हैं, बस याद रखिए, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड। अब आइए वायरलेस पे, पहला है रेडियो ट्रांसमिशन, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन मतलब टीवी का जो ट्रांसमिशन होता है वो रेडियो वेव्स पे होता है, या फिर आप अगर आप लें कि वाईफाई कनेक्शन जो हमारे हम चलाते हैं वो एक रेडियो ट्रांसमिशन है। माइक्रोवेव्स भी होता है, माइक्रोवेव्स के थ्रू भी डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। पहले के जो मोबाइल टेलीफोन्स होते थे वो माइक्रोवेव्स भी वर्क करते थे, जो रेडियो जो होता था वो भी माइक्रोवेव्स में वर्क करता था, लेकिन अब तो सारे मैक्सिमम चीजें रेडियो ट्रांसमिशन से भी हो गई। तो इसके अंदर की और डिटेल्स अगर आप चाहें तो सर्च करके पढ़ सकते हैं, वैसे इतना भी काफी है। और एक चीज और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये तीन चीज पे ट्रांसमिशन मीडियम बेस्ड होता है, एक ट्रांसमिशन रेट, एक कॉस्ट और एक डिस्टेंस, ठीक है। ट्रांसमिशन रेट, कॉस्ट और डिस्टेंस, इन तीन चीजों पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम उनको चूज करना है। उसका ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, मतलब स्पीड क्या होगा, क्या स्पीड देगा वो ट्रांसमिशन मीडियम। सेकेंड चीज की कॉस्ट कितना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक कॉलेज पे एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं, तो क्या कॉस्ट होगा, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो सब पहले एक प्लानिंग करना पड़ता है। तो थर्ड है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक हमको बिना डिस्टर्बेंस के वो हमको कम्युनिकेशन करने देगा, तो वो होता है तीन चीजों पे बेस्ड होता है, रेट, कॉस्ट और डिस्टेंस। सो ये चीज ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर आता है। सो यहाँ पे मैं कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट वन को कंप्लीट करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, जो की है ओएसआई लेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो यूज होते हैं, ठीक है, ओएसआई लेयर, टीसीपी आईपी लेयर, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज जो बच गया,
वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। सो ये पार्ट वन और इसका एक और पार्ट टू बनेगा इस कंप्यूटर नेटवर्क का। सो ये पूरा कंप्यूटर नेटवर्क वहाँ पे एंड हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल को, जिस चैनल से आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड नीचे पे देखिए, वीडियोस के जस्ट नीचे पे देखिए, मतलब इस स्क्रीन पे नहीं, जहाँ पे आपका टैब चल रहा है वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, क्योंकि और भी फैकल्टीज के जो वीडियोज है वो आते रहेंगे, पूरे सब्जेक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं वो कवर होगा। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.